हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आपको ऐसे देश के बारे में बताऊंगा जो नदियों, बहुत शिवालयों और हलचल भरे शहरों के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वियतनाम के बारे में बताऊंगा। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो अपने समुद्र तटों, नदियों और बहुत शिवालयों के लिए जाना जाता है, और हनोई वियतनाम की राजधानी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको 10 ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा। जब भी आप वियतनाम जाओ तो ये 10 जगह घूमने के लिए जरूर जाना। नंबर 10 पे द मेकोंग रिवर डेल्टा। दक्षिणी वियतनाम में मेकोंग डेल्टा नदियों, दलदलों और द्वीपों का एक विशाल चक्रव्यूह है। तैरते बाजारों, खमेर पगोड़ा और चावल के पेड़ों से घिरे गांवों का घर है। और दोस्तों, यहाँ नावें परिवहन का मुख्य साधन है, और इस क्षेत्र के दौरे अक्सर पास के हो ची मिन्ह सिटी या केंथो डेल्टा के केंद्र में एक हलचल वाले शहर में शुरू होते हैं। नंबर 9 पे है दलत। दक्षिणी वियतनाम के सेंट्रल हाईलैंड में लम नंग प्रांत की राजधानी एक झील और गोल्फ कोर्स के आसपास के द्वीप है, और पहाड़ियों, देवदार के जंगलों, झीलों और झरनों से घिरा हुआ है, और ये अपने विशिष्ट समशीतोष्ण जलवायु के लिए अनंत वसंत शहर के रूप में जाना जाता है। दलत को 1900 के दशक में शुरुआती फ्रांसिस द्वारा एक रिसोर्ट के रूप में विकसित किया गया था, और इसकी विरासत के कई अनुस्मारक बने हुए हैं। नंबर 9 पे है टैम कोक। उत्तरी वियतनाम में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, और टांग एन सीनिक लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। यह निन्ह बिन प्रांत में ताप कोक गांव के पास स्थित है। नंबर 7 पे है द फोंग ना के बाघ नेशनल पार्क। दोस्तों, ये नेशनल पार्क वियतनाम के उत्तरी मध्य लाओस महिन नामनो रिजर्वनी सरहदे आवेलो एक संरक्षित विस्तार छे। पर्वतों, उष्णकटिबंधीय जंगलों अने भूगर्भ नदियों द्वारा वर्गीकृत थयेल छे। ते तेना प्राचीन चूनाना पत्थरों अने गुफाओना विशाल नेटवर्क माटे जाणीतुं छे। તેમાં વિશાળ સોનડોંગ ગુફા અને ફોગના ગુફાનો સમાવેશ થાય છે, અને આ નેશનલ પાર્કમાં વાઘ, રીંછ અને હાથીઓ જોવા મળે છે। નંબર 6 પે હે હો ચી મિન્હ સિટી, જિસે પહેલે સાઇગોન કે નામ સે જાના જાતા થા। 2019 મે લગભગ 9 મિલિયન કી આબાદી કે સાથ वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। वियतनाम के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित शहर साइगोन नदी को घेरता है, और लगभग 2061 किलोमीटर को यह कवर करता है। और दोस्तों, इस शहर में शाम को सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। नंबर 5 पे है द इंपीरियल सिटाडेल ऑफ टैंग। वियतनाम के केंद्र में स्थित ऐतिहासिक शाही इमारतों का एक परिसर है। यह पहली बार 1011 में लू राजवंश के सम्राट
ली थाउ तू के शासनकाल में बनाया गया था। और दोस्तों ये बहुत ही पुराना शहर है और सबसे ज़्यादा पर्यटक इस शहर में विजिट करने के लिए आते हैं। नंबर चार पे है नाहटांग। दक्षिणीय वियतनाम का एक तटीय शेरगांव शहर है जो अपने समुद्र तटों, गोताखोरी स्थलों और द्वीपों के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य समुद्र टान कूस टील के साथ एक लंबा घुमावदार खिंचाई है जो एक शेरगा होटल और समुद्री भोजन रेस्तरा द्वारा समर्थित है। और दोस्तों यहाँ पे वियतनाम का जो ट्रेडिशनल डांस है वो यहाँ पे वो लोग करते हैं। और दोस्तों हवाई केबल कारें हॉर्न ट्रे द्वीप को पार करती है और हॉर्न मून और हॉर्न टॉम द्वीप के प्राकृतिक भंडार जहां नाव से जा सकता है। नंबर तीन पे है हुई द इंपीरियल सिटी। इंपीरियल सिटी गुयेन राजवंश के दौरान वियतनाम की पूर्व शाही राजधानी हुई शहर के गढ़ के भीतर एक दीवार का घेरा थे। और इसमें वे महल है जिनमें शाही परिवार रहता था, साथ ही मदारिन के लिए मंदिर, उद्यान और विला भी शामिल है। और ये शहर झरनों से भी जाना जाता है। नंबर दो पे है हा लोंग बे। उत्तर पूर्व वियतनाम में स्थित हा लोंग बे अपने पन्ना जल और हजारों विशाल चूना पत्थर द्वीपों के लिए जाना जाता है जो वर्षा वनों के शीर्ष पर स्थित है। और जंक बोट टूर और समुद्री कश्ती अभियान को उन्हें आकार के लिए नामित द्वीपों के पीछे ले जाते हैं जिनमें टोन डांग और टीपोट आइलैंड शामिल है। यह क्षेत्र स्कूबा डाइविंग के लिए लोकप्रिय है। नंबर वन पे है मुइन। दक्षिण पूर्व वियतनाम में समुद्र के किनारे एक समुद्र तट रिसोर्ट शहर है। रेत के लंबे ताट रेखा वाले खिंचाव के साथ इसमें स्थित हवा की स्थिति होती है जो इसे पतंगबाजी, नौकायन और अन्य पानी के खेल के लिए एक शीर्ष गंत बनाती है। और यह होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों की एक व्यस्त पट्टी है। अगर दोस्तों आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।